तो देखिए, गांदरबल आतंकी हमले में बड़गाम डॉक्टर शनवास की भी मौत हो गई है। परिवार में मातम का माहौल है। लगातार जो परिवार वाले हैं वो इसको लेकर के अब कह रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मजदूरों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए आप भी। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है, और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में इंजीनियर डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस आतंकी हमले से एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के नहीं होते, ना तो वो हिंदू को देखते हैं ना ही मुसलमान, क्योंकि गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए हैं उसमें 4 लोग तो मुस्लिम ही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अबरोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्करे तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है, लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अबरोल जो हैं उनकी शहादत हुई है, उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह रात को ही पता चल गया, वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ, तो मंदिर जा रही थी, कहती आकर मैं बात करती हूँ। जब वहाँ से आई तो अर्घ देते ना, अर्घ देने लगी तो फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6:30 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ, भाभी तैयार भी बता रही थी तो भैया बोलते बात कर, कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ। बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फोन ही नहीं उठाया। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपिया में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इससे भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए?
आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है, उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली बम धमाके मामले में एक्शन तेज। पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। एक टेलीग्राम चैनल की मांगी जानकारी। टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी डालकर ली गई थी धमाके की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जांच एजेंसियां। विस्फोटक रखने की टाइमिंग तलाश रही एजेंसियां। धमाके से 9 घंटे पहले तक के सीसीटीवी खंगाले। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर विस्फोट का मामला। मामले को लेकर अधिकारियों की जांच तेज। धमाके के लिए पॉलिथीन में लपेटकर गड्ढे में डाला गया विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से खबर। बम को एक्टिव करने का तरीका खोज रही है पुलिस। रिमोट या टाइमर से धमाके की आशंका। ब्लास्ट मामले के एफआईआर में खुलासा। धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल। काफी मात्रा में बिखरा हुआ व्हाइट पाउडर भी मिला। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जम्मू एयरपोर्ट पहुंची एनआईए की एक टीम। गांधरबल में हुए आतंकी हमले की करेगी जांच। हमले में एक डॉक्टर, 6 मजदूरों की मौत। एसएसपी रैंक के अधिकारी दोपहर तक हमले वाली जगह पहुंचेंगे। गांधरबल में हुए आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी। मामले की जांच कर रही है डीजीपी। साथ ही मृतकों के प्रति व्यक्त की है संवेदनाएं। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे। जम्मू कश्मीर में भी आतंकी हमले पर राहुल गांधी का बयान। का हमले को बताया कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध। साथ ही कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जम्मू कश्मीर बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठी को किया ढेर। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। कहा झारखंड से बीजेपी को दूर रखना हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। अभी हमारे बीच मनमुटाव देख रहे हैं लोग, लेकिन आज या कल सुबह तक सुलझ जाएगा मामला। एक बार उम्मीदवारों का चयन हो जाता है तो पूरी पार्टी एक होकर लड़ती है। कार्यकर्ता चुनाव